जी अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस डूइंग गुड। गाइस मैं जानता हूं कि यार ये व्लॉग थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि मुझे ईवो बाय किए हुए ऑलमोस्ट 7 to 8 months हो चुके हैं, लेकिन यार टाइम नहीं था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बिजी था, इसलिए ज़्यादा चैनल में एक्टिव भी नहीं रह सका। लेकिन गाइस फाइनली आज रिव्यू आ गया है द मोस्ट अवेटेड कार इन माई चैनल, और काफ़ी यार लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की अब्दुलरमान भाई ईवो का प्लीज़ करें, तो यार आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड फाइनली हियर द कार मित्सुबिशी एवोल्यूशन, और आज हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाई आई बॉट दिस कार, और मेरे प्लान्स क्या हैं आगे, और ये गाड़ी की कंडीशन क्या है, और क्या इसमें अपग्रेड्स हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जी गाइस लेट्स स्टार्ट विद फ्रंट लुक। और फ्रंट में यार ईवो 9 के हेडलाइट्स हैं, और इसके अलावा ईवो 8 का ओरिजिनल बम्पर है, और नीचे इसकी एक्सटेंशन लगी हुई है। और गाइस साइड में आज ये तो हम देख रहे हैं कि राउटर्स जो हैं वो अपग्रेडेड हुए हैं, और इसके अलावा नीचे से एक्सटेंशन लगी है और टिंटेड ग्लास है मल्टी शेड में। और गाइस अगर बैक से हम आ जाएँ गाड़ी में, तो यार ईवो 9 का ओरिजिनल बैक बम्पर है, और इसके अलावा ओरिजिनल ईवो 9 का कार्बन फाइबर वाला स्पॉयलर है, और इसके अलावा कैटबैक लगा हुआ 3.5 इंच ग्रेडी का फुल ऑन, दैट्स इट। जी गाइस अगर इंटीरियर में आ जाएं तो एवरीथिंग इज फैक्ट्री कंडीशन, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी कारों की बकेट सीट्स एंड ओरिजिनल मोमो स्टेयरिंग एंड एवरीथिंग। जो इसमें अपग्रेड चीज़ हुई है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। इसमें लगा हुआ AEM का AFR गेज लगी है गाइस, डैफी की गेजेज हैं, और HKS EVC 5 है, एंड सब देख रहे हैं ओरिजिनल इवोल्यूशन का स्टीकनिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट कंडीशन में है गाइस, किसी भी तरह का इसमें कोई ज़्यादा स्क्रैचेज वगैरह नहीं है गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी नीट एंड नाइस कंडीशन में गाड़ी है। जी अगर हम बात करें इसके हाईवे ड्राइव की, तो माशाल्लाह काफ़ी स्मूथ है यार, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, और आपको फील नहीं होता, जितनी मर्जी स्पीड में जाएं आप रिलैक्स फील करती हैं, डर नहीं लगता, और जब ब्रेकिंग है उसमें भी आपको काफ़ी ट्रस्ट होता है, ब्रेम्बो ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, और माशाल्लाह यार आई मीन आप हर लिहाज से इसको इंजॉय करेंगे, स्पेशली हाईवे पे आप लॉन्ग रूट्स में जाएँ, और इसका जो इंटीरियर है उसकी लुक में जैसा कि आपने देखा यार, इसमें जो बकेट सीट्स हैं काफ़ी रिलैक्स कंफर्टेबल सीट्स हैं, आपको ग्रिप करके रखती हैं, अनलेस आपका ओवरवेट नहीं है उसके लिए थोड़ा इशू होता है, बाकी एक नॉर्मल फिजिक के लिए बेस्ट है, यानी कॉम्पैक्ट सीट्स हैं, और काफ़ी मज़े की है स्टेयरिंग व्हील जो इसका फील काफ़ी मज़े का गाड़ी का, तो ओवरऑल आई लाइक इट्स। ठीक है, हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं और साथ राइड लेंगे, और साथ हम डिस्कस करेंगे कि यार इस गाड़ी में मेरे प्लान्स क्या हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग। यार लेट्स डू इट। एसी ऑन कर ले यार। ओ अच्छा, तो गाइस जब ये मैंने गाड़ी परचेज की तो यार मेरा गोल था काफ़ी सिंपल सा कि यार आई हैव टू बिल्ड दिस कार फॉर लाइक 1000 हॉर्स पावर और समथिंग, फिर बीच में थोड़े प्लान्स चेंज हो गए, वो मैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा, लेकिन फाइनली हमने दोबारा डिसाइड किया कि यार हम इसको बिल्ड करने जा रहे हैं, और गैस क्या मॉडिफिकेशंस होंगी वो इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल में साथ साथ शेयर करता रहूँगा, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि यार गाड़ी किस तरह बिहेव कर रही है, और एवरीथिंग क्या इसमें हमने मॉडिफिकेशंस करनी है। गैस जहाँ तक बात है स्टॉक की, तो यार इस टाइम स्टॉक क्लच है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टॉक है गाड़ी में, इंजन के लिहाज से या ट्यूनिंग नहीं हुई हुई, फैक्ट्री ट्यूनिंग है, और गाइस इस टाइम इसकी ड्राइव ऐसी है जैसा कि आपको नॉर्मल यानी ग्रैंडी मैनुअल चला लो पावर के साथ, यानी मैं बात कर रहा हूँ फील की, यानी आपको फील नहीं था कोई कोई रिजिड कार चला रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, काफ़ी इजी टू ड्राइव कार है यार। और अगर तो कोई लोगों को ज़्यादा पावर नहीं चाहिए लेकिन एक लुक भी चाहिए गाड़ी की, और एक फील चाहिए वो कि वो स्टॉक रखे और इन्जॉय करें, वो इस तरह ही फील करेंगे जैसे एक नॉर्मल आटे मैनुअल गाड़ी रखी है, मेंटेनेंस भी इतनी महंगी नहीं है, यानी काफ़ी सिंपल गाड़ी है यार, यानी किसी किस्म का आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और बाकी ड्राइव और इसकी जो शो है, इसका जो एक लुक है गाड़ी की, वो तो आपको आइडिया है ही जो इसकी इस टाइम रेपुटेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह यार ये मेरी तो पाकिस्तान की वन ऑफ द क्लीनेस्ट ईवो है। और गाइस इसके अलावा मैं आप मुझे अभी तक कोई इशू इस गाड़ी में आया नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि आप मुझे ये इशू आया है, इस तरह का मुझे कोई मसला आया है, और इंशाल्लाह जो आगे मेरे प्लान है इस गाड़ी के साथ वो यही है कि इसको 1000 हॉर्स पावर का बिल्ड करना है, और 700-800 हॉर्स पावर चलाएँगे, और इसके अलावा टिल्टन का क्लच मेरे पास है, ट्रिपल प्लेट, बाकी चीज़ें मैंने परचेज़ करनी है इसकी, और इंशाल्लाह जैसे जैसे परचेज होंगी हम इंस्टॉल करेंगे, और उसका पावर में भी गाड़ी को दिखाएंगे किस तरह बिहेव करती है, और उसके भी हम ब्लॉग बनाएंगे,
और गाइज यही था यार आज का रिव्यू बनाने का मकसद, कि मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको इसका लुक अराउंड दे दूँ गाड़ी का, कि यार हाँ आपके बाइक के पास वो आ चुकी है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके और व्लॉग बनाऊँ। और अगर तो आप और इसके व्लॉग देखना चाह रहे हैं तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है, कोई भी आपका सवाल है क्वेश्चन है रिलेटेड टू ईवो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आंसर करूँगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।